welcome back to my YouTube channel. So let's discuss next topic of unit 1, that is electrostatics, and this is chapter number 5, capacitor. So this is important chapter. इसमें से 5 marks का question आने के chances बहुत ज़्यादा हैं. So कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत हो तो I am always here. आप just comment करें. I will try कि आपके हर एक question का answer दिया जाए, आपके हर एक जो भी आप comment करें उसका reply किया जाए. So चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैम कितने लेक्चर्स और बाकी हैं. सो थोड़े से लेक्चर बाकी हैं. कंडक्टिंग स्लैब जो आज हम करने जा रहे हैं, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. अगर आप सिलेबस चेक करेंगे ना, वहाँ पे आपको मेंशन नहीं है, दिखेगा नहीं. बट येस, ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं होने के बावजूद भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलता है. बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा. अगर आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक स्लैब दोनों आर्टिकल्स क्लियर हो गए, एंड दिस आर्टिकल विल बी द ईजिएस्ट लेसन. ठीक है, ईजिएस्ट लेक्चर. सो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है. बाद में आप लोग लेक्चर सुनते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं. सो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेक्चर को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है. अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. सो ट्राई करो कि अपने क्लासमेट्स को, क्लासमेट के साथ बेटा अपना चैनल को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ सके. सो चलिए फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब. लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अब क्या करेंगे कंडक्टिंग स्लैब. कंडक्टिंग मीन्स जो कंडक्ट कर जाएगी ईजीली. ठीक है, और कंडक्टर से बनी हुई चीज. कंडक्टर मीन्स कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, जीरो. ये चीजें हम लोग फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ चुके हैं. जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर है वो क्या है आपकी, जीरो है. सो आपने क्या करना है, डायग्राम किस तरीके से बनानी है. सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे दो कैपेसिटर्स की प्लेट्स हैं, ए प्लेट एंड अ बी प्लेट. एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सेकेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. जैसे कि कल लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेंटर में क्या इंसर्ट करा था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसकी इनर कॉर्नर्स पर क्या आ जाएगा, इंडक्शन की वजह से चार्जेस आ जाएंगे और उस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट हो जाएगी. जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इस तरफ जाएगी. डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या है, इसके ऑपोजिट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी. बिकॉज हेयर इन दिस टॉपिक वी आर यूजिंग कंडक्टिंग स्लैब. कंडक्टिंग स्लैब मतलब ये कोई कंडक्टिंग स्लैब है, इसके इन साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज जीरो. सिर्फ इतना ही फर्क है लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर में, बाकी सारा आर्टिकल डिट्टो सेम, बिल्कुल भी फर्क नहीं है. अगर लास्ट वाला लेक्चर आप अपना टेस्ट दे चुके हो, आपको लेक्चर आता है अच्छे से, आपको आर्टिकल आता है, ये आर्टिकल जहां जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने वहां पे ई पुट करी थी, यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, जीरो. बाकी सारा आर्टिकल डिट्टो सेम. सो चलिए स्टार्ट करेंगे. कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सबसे पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लो जिसकी थिकनेस कितनी है, डी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई. सो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ईच प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कैपिटल ए. सो नेक्स्ट आ जाओ, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज गिवन बाय सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी. ये फर्स्ट लेक्चर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला है उसमें जो हमारा आर्टिकल का आंसर आया था, कैपेसिटेंस का सिंपल आंसर है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. अब क्या करना है, इस प्लेट के अंदर हमें कोई कंडक्टिंग स्लैब को ऐड करना है. ठीक है जी, सिंपल है. सो थ्योरी यहाँ पे लिखी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी. व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब ऑफ एरिया ए थिकनेस टी इज ग्रेटर देन टी इज लेस देन डी इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स द फ्री चार्जेस इन द कंडक्टर फ्लो. फ्री चार्जेस कंडक्टर के अंदर फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ये वाले नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, जिसे इंडक्शन की वजह से चार्जेस बोल सकते हैं या फिर फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे. द चार्जेस प्लस क्यू अपेयर्स ऑन द बोथ फेसेस ऑफ द स्लैब एज शोन, रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटरनल ऑफ द स्लैब इज जीरो. सो क्या होगा, इसके इनर कॉर्नर्स पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे. जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इंड्यूस हो गए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. इतना बात हो गई क्लियर. डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर पोल्स बन जाएंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड
आपकी बनी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, लेकिन कंडक्टिंग स्लैब के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो गया, चार्जेस प्रोड्यूस हो गए ऑपोजिट फेसिस पर, बट कंडक्टिंग स्लैब होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इतनी बात हो गई जी, क्लियर। नेक्स्ट हमें पता करना है कि पोटेंशियल कितना लगा। सिंपल आर्टिकल है, फर्स्ट स्टेप आपने स्टार्ट कहां से करना है, C = εr₀ a/d। क्या पिछले लेक्चर्स में क्या किया, सबसे पहले आपको पोटेंशियल पता करना है, V पता करना है, V में आएगा E, E की वैल्यू क्या है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा किसके इक्वल है, Q डिवाइडेड बाय A, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने C पता करना है, मतलब C = Q/V। ये सिंपल स्टेप आप साइड पर लिख लो कहीं पे। थ्री आर्टिकल्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, यही स्टेप्स है, इन्हीं स्टेप्स को बार बार फॉलो करना है। जस्ट आप रिविजन करें, इन आर्टिकल्स को लिख लिख कर देखें, इन तीनों आर्टिकल्स में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी अगर आप रिटर्न करोगे, अगर आप जस्ट इसे पढ़ लिया, सुन लिया और देख लिया, सिर्फ इतने तक रखोगे डेफिनेटली 100% आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी ही होगी। सो स्टेप्स सेम है, थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल स्लाइटली सा डिफरेंस है, लिख कर देखो, बार बार लिख कर देखो और अपनी मिस्टेक्स खुद निकालो, ताकि जब तक आप टेस्ट दो अपने टीचर को या मुझे टेस्ट दो या फिर अपने फाइनल एग्जाम के अंदर बैठो, आप लोगों को इन चीज़ों में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। सो चलिए सी, वी पता करना है, वी मतलब पोटेंशियल पता करना है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंटू टी, बट यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या आपकी, जीरो। सो लिखो ई टी प्लस बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, ई नॉट, सो दिस इज ई नॉट, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, सिर्फ ये वाली, ठीक है जी। इसका मतलब कैपिटल स्मॉल डी में से स्मॉल टी जो है माइनस कर दो, डी माइनस टी। ये स्टेप सबको क्लियर हो गया कि कैसे लिखा है, सिंपल है। अब बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी थी, ई नॉट, ई नॉट ये वाली डिस्टेंस डी, इसमें टी तो कंडक्टिंग स्लैब आ गई, उसको बाहर निकाल दो, डी में से टी गया तो सिंपल ये वाली टर्म्स बच गई, डी माइनस टी, और सेंटर वाली ई टी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, दैट इज वाई पुट कर दो जीरो प्लस ई नॉट डी माइनस टी। सो इसका मतलब आपके पास वी की आंसर क्या आ गया, ई नॉट डी माइनस टी। यहां तक सबको क्लियर है, बिल्कुल सिंपल जैसे पहले करते थे वही चीजें हैं, लेकिन वी नो, हमें पता है कि ई नॉट की वैल्यू किसके इक्वल है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा किसके इक्वल है, क्यू डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। सो यहां से मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रही हूं, अदरवाइज आपने प्रॉपर लिखना है कि वो नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज क्यू ओवर ए। सो क्यू ओवर ए मतलब इस तरीके से लिखकर इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहां पे पुट कर दो, ठीक है जी। यहाँ पे पुट करने लगे मतलब V किसे इक्वल आ गया, Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। ये सबको क्लियर हो गया, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अगर V पता चल गया, सेकंड स्टेप वी हैव टू फाइंड C, C मतलब C इज इक्वल टू Q ओवर V। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, C किसके इक्वल है, Q ओवर V। अब C, V, Q की वैल्यू एज सच, और V की वैल्यू कितनी है, Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। यहां से Q के साथ Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले जो इन द नेक्स्ट स्टेप, सो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, ठीक है जी। यहां तक बेटा सबको क्लियर है कि क्या किया है, सिंपल है, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, डन। इतना बेटा सब बच्चों को क्लियर हो गया कि क्या है। अब हमें निकालना था C नॉट, बट यहाँ पे कहीं पे भी C नॉट नहीं निकल रहा, क्या करो, यहाँ से D कॉमन ले लो, A एप्सिलॉन नॉट D को कॉमन लिया, यहाँ से D बाहर निकल गया, बच गया 1, यहाँ पे तो D है ही नहीं, तो क्या करेंगे, क्या हम लिख सकते हैं D ओवर D माइनस T ओवर D, ठीक है जी। ये चीज़ें, यहाँ पे D नहीं था, मतलब D के साथ मल्टीप्लाई कर दो, D के साथ डिवाइड कर दो, D सेकेंड स्टेप पे, ओनली सेकेंड स्टेप, टी के साथ डी हमें चाहिए, डी के साथ मल्टीप्लाई, डी के साथ डिवाइड,
अब डी यहां से और यहां से कॉमन बाहर निकाल दो, डी बाहर निकाल दिया, अगर डी बाहर निकल गया अंदर क्या बच गया वन, यहाँ पे ये वाला डी बाहर निकाल दिया अंदर क्या बच गया डी टी ओवर डी, सो माइनस टी ओवर डी. व्हाट इज ए एप्सिलॉन नॉट डी, व्हाट इज ए एप्सिलॉन नॉट डी, दैट इज सी नॉट. क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सी इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पे लिख दो सी नॉट. ठीक है जी, बिकॉज अभी आप लोगों को ब्लैक बोर्ड के नीचे नहीं दिखेगा, सो यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ सी किसके इक्वल आ गया सी नॉट. ये टर्म एज सच वन माइनस टी ओवर डी, सो दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है जी, देख लो फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा. सी इज इक्वल्स टू सी नॉट वन डिवाइडेड बाई टी माइनस टी ओवर डी. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा फ्रेम से बाहर जा रहा है टी ओवर डी, सो दिस इज द फाइनल आंसर. सो लास्ट में लिख दो, सिंस डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 इज लेस देन 1. ठीक है जी, लेस देन 1 होने की वजह से बेटा यहाँ पे मेंशन जरूर कर देना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या है आपकी जीरो, यहाँ पे पुट करा जहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट लिखो सी एम, जो सी है आपकी सी इज ग्रेटर देन सी नॉट, सी जो है वो सी नॉट से ग्रेटर होगी, दस कैपेसिटेंस इंक्रीज ऑन इंट्रोड्यूसिंग ऑन कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द स्लैब. अगर आप प्लेट के अंदर कोई भी कंडक्टिंग स्लैब को इंसर्ट करोगे, डेफिनेटली आपकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. सिंपल है, चाहे आप कंडक्टिंग स्लैब ऐड करें, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐड करें, दोनों चीज़ों में, दोनों केसेस में आपकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज ही होगी. ठीक है जी, समटाइम इसका स्पेशल केस पूछ लिया जाता है कि मान लो जो टी है वो डी के इक्वल आ गया, मान लो अब टी जो है वो डी के इक्वल आ गया, अगर स्पेशल केस है, यहाँ पे पुट कर दो सी इज इक्वल्स टू सी नॉट वन माइनस डी ओवर डी, डी ओवर डी मतलब जीरो, वन माइनस वन कितना हो गया जीरो, सो सी नॉट ओवर जीरो मतलब सी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी इन्फानाइट. ठीक है जी, सो यहाँ पे आ जाएगी आपकी जो कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी इन्फानाइट, मतलब कि जितनी मर्जी आप ऐड कर लो उतनी ज़्यादा जो आपकी होगी कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगी. ठीक है जी, सो ये रहा आपका नेक्स्ट आर्टिकल, बहुत स्मॉल सा आर्टिकल था, सिंपल आर्टिकल है, सिंपल वे में करेंगे. सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, मैक्सिमम शेयर करना है. थैंक यू सो मच बेटा. वीडियो के लास्ट में करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स. सो लास्ट क्वेश्चन बेटा आपको होमवर्क दिया गया था, और सभी बच्चों के जिन्होंने कमेंट करा है, सो आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है. जो आपका सी का आंसर आया था दैट इज़ 17.7 पिको फैरेड, और जो आपका क्यू का आंसर आया दैट इज़ 1.77 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 कूलम. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, मतलब आपने क्यू आंसर निकाल के आना था. सो ऑलमोस्ट जितने भी बच्चों ने कमेंट किया है, बच्चा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स. बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पंजाब बोर्ड के अंदर आपके सिलेबस में एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत बार 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है क्या चीज़. द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग ओरिजिन फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. वो वाला मैथड, कोई ऐसा मैथड जो आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जो आपको बचाए, जो रीजन आपको, रीजन जो आपको बचाए उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. मान लो कि बारिश हो रही है और बहुत थंडरस्टॉर्म चल रहे हैं, सो आप कार में बैठे हो. ठीक है जी, आपके पास कार है, कार के जो व्हील्स हैं वो रबड़ के बने हुए हैं. अब आपको ट्री के नीचे जाकर खड़ा होना ज़्यादा सेफ लगेगा या फिर कार के अंदर बैठना. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मान लो कि बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और आप लोग कार के अंदर बैठे हो, आपको कहाँ पे खड़े होना ज़्यादा सेफ लगेगा. सिंपल सड़क पर जाके खड़े हो जाओगे, या फिर कोई ट्री है आपके पास, ट्री के नीचे जाके खड़े हो जाओगे, या कार के अंदर ही बैठे रहोगे. सो सिंपल आंसर है कि आप कार के अंदर ही बैठे रहोगे, बिकॉज जो कार की बॉडी है वो क्या होगी, आपका एक कंडक्टर है. ठीक है, सो यहाँ पे मान लो बिजली गिर भी गई, देन इसकी जो व्हील्स हैं वो क्या हैं, आपके रबड़ के बने हुए हैं. सो कार जो आपका एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग मतलब बाहरली जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है जी, सो जो
प्रोटेक्ट करे आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सो सिंपल आपको बेटा डेफिनेशन ही पूछी जाती है, सो आप डेफिनेशन लिख कर आएंगे। व्हेन एन कंडक्टर हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ एनी शेप इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी शेप हो सकती है, मैंने जैसे कार की एग्जांपल ली, कोई भी शेप हो सकती है, द चार्जेस ऑफ अ कंडक्टर रीडिस्ट्रीब्यूट एंड रिसाइड ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द कंडक्टर एज शोन इन अ फिगर। जैसे ये फिगर बनी है, सिमिलरली ये कार थी, जो कार पर जब भी बिजली गिरेगी आउटर सरफेस के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा, ठीक है, आउटर सरफेस के ऊपर, क्योंकि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी जीरो होती है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इंक्लूडिंग कैविटी इज जीरो, ठीक है जी, इनसाइड कंडक्टर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, जीरो है। दस कैविटी इन द कंडक्टर विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ड्यू टू द चार्जेस ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर के आउटर सर्फेस पर ही चार्ज है, इनसाइड चार्ज ना होने की वजह से अंदर आपको जो फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो महसूस ही नहीं होगी। इस प्रोसेस को दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। The concept of electrostatic shielding is used to protect sensitive instruments from the effect of a strong electrostatic field by enclosing these instruments in a metallic cage. So, ये चीज़ें हम लोग जो uses आ सकते हैं कि मान लो इसके uses बताओ, so uses क्या हैं, जो भी sensitive instruments हों जिस पर electric field का effect बहुत जल्दी पड़े, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें एक कैवेज के अंदर रख दिया जाता है कि बाहरली सरफेस पर ही चार्ज आए, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो हो जाएगी। इन इट इज़ फॉर द रीजन इट इज़ अ सेफर टू सेट अ कार और बसेस ड्यूरिंग लाइटिंग एंड अ थंडर रेदर देन द स्टैंडिंग अंडर अ ट्री और अ ओपन ग्राउंड। सो इट इज़ बेटर कि आपके कार के अंदर ही बैठें, कार के बाहर मत जाओ, और अगर आप कार के बाहर जाओगे आपको बिजली का झटका लग सकता है, अगर बिजली चमक रही है, अगर आप ट्री के नीचे खड़े हैं, ट्री भी गीला हो जाएगा, देन वो भी कंडक्टर बन जाएगा, वहाँ पे भी आपको नुकसान हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आप अपनी कार के अंदर, आपके पास जो भी बसेस हैं उसके अंदर ही बैठें। लास्ट में ये नोट ज़रूर पढ़ें, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पेनीट्रेट द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पेनीट्रेट नहीं करेंगी, पेनीट्रेट मतलब वाइब्रेट नहीं करेंगी, ठीक है जी। ये सिंपल सा छोटा सा आर्टिकल है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।